दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कब्ज को ठीक करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि सोच के दौरान आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता तो समझ लीजिए आपको कब्ज की बीमारी है और तरल पदार्थों की कमी आपके शरीर में हो रही है। यदि कब्ज हो जाए तब कोई भी खुद को फ्रेश फील नहीं कर पाता है। एक बात ध्यान जरूर रखिए, यदि कब्ज होने पर उसको अनदेखा किया गया तब इसके परिणाम काफ़ी घातक होते हैं। यह किसी भी जटिल बीमारी का रूप ले लेता है। कब्ज के होते ही पेट में अनेकों व्याधियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए कब्ज वाले रोगी को पेट दर्द की शिकायत रहती है, सुबह सोच करने पर परेशानी आती है तथा मल का शरीर से पूरी तरह न निकलना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कब्ज के लिए बहुत उपाय हैं, पर कब्ज को जड़ से ख़त्म करने के लिए मात्र आयुर्वेदिक उपाय ही कारगर साबित हुए हैं। दोस्तों कब्ज यूं तो छोटी समस्या लगती है और इसी कारण लोग इसे काफ़ी नज़रअंदाज भी करते हैं, लेकिन इसे छोटी समस्या समझना सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। आप पेट से जुड़ी इस समस्या को ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज करते हैं तो यह सेहत के लिए घातक साबित हो सकती हैं। कब्ज के कारण जो कि पेट से संबंधित हैं, इससे प्रभावित होने वाले लगभग 72 रोग को आपके लिए बिना बुलाए मेहमान बन सकते हैं। दोस्तों देश के लगभग 20% लोग कब्ज से ग्रस्त हैं। इनमें से 14% वो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। शहर का रहन सहन, कुछ भी खा लेने की आदत और मजबूरी, घटते शारीरिक श्रम आदि ने कब्ज को इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। आइए कब्ज को थोड़ा करीब से समझते और जानते हैं, क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तभी जीवन की गाड़ी भी ठीक चलेगी। ये उपाय इतने कारगर हैं कि इनसे आप बिना जोर लगाए अपना पेट साफ कर सकते हैं। दोस्तों पेट का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। खान पान की आदतों और गलत लाइफस्टाइल के कारण कुछ लोगों को आए दिन पेट संबंधी कोई ना कोई शिकायत रहती है, जिस कारण एसिडिटी, खट्टी, डकार, खाना पचाने में परेशानी अक्सर सुनने को मिलती है। इनमें से सुबह पेट साफ न होने की समस्या यानी कब्ज लगभग आम है, लेकिन इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आपको भी इस तरह की शिकायत है तो कुछ आसान से घरेलू उपाय अपना कर इससे राहत पाई जा सकती है। दोस्तों आइए जानते हैं कब्ज को जड़ से ख़त्म करने के उपाय के बारे में। नंबर 1, गुनगुने पानी का सेवन। दोस्तों सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, इसमें आप शहद को मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आधा घंटा सेर करें, कुछ समय बाद पेट साफ हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 2, अलसी। दोस्तों अलसी के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, यह पेट के लिए भी लाभकारी हैं। रात को सोने से पहले एक गिलास के दूध के साथ एक चम्मच अलसी के बीज का पाउडर खा लें, इससे सुबह पेट साफ हो जाएगा। नंबर 3, योगा। दोस्तों खाना खाकर एकदम बैठने या लेटने से भी पेट साफ ना होने का कारण बनती हैं। आपके लिए कुछ समय निकाल कर योगा या कोई एक्सरसाइज जरूर करें, इससे कब्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। नंबर 4, आंवला। दोस्तों आंवला गुणों से भरपूर है, यह पेट की परेशानियों को दूर करके पाचन क्रिया में सुधार करता है। रोजाना रात को दूध के साथ आंवला खाने से सुबह पेट साफ हो जाता है। नंबर 5, पानी, दलिया और खिचड़ी। दोस्तों कब्ज का मुख्य कारण यह है कि शरीर में पानी और दूसरे प्रकार के तरल पदार्थों की कमी हो गई है। इन्हीं तरल पदार्थों की कमी के चलते आंतों में मल सूख जाता है,
तथा सुबह शौच क्रिया के दौरान बल प्रयोग करना पड़ता है। इसके चलते कब्ज रोगी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दलिया, खिचड़ी जैसे और तरल पदार्थों को लेने की कब्ज रोगियों को अक्सर सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक कब्ज के मरीज को गर्म पानी के सेवन पर जोर देते हैं। नंबर 6, गुड़ और गिलोय। दोस्तों, गुड़ के साथ गिलोय का बारीक चूरन मिलाकर सोते समय 2 चम्मच लीजिए और ध्यान रखिए गुड़ तथा गिलोय का चूरन बराबर मात्रा में मिक्स किया हो, कब्ज एकदम ठीक होगा। नंबर 7, त्रिफला, सेंधा नमक और अजवाइन। दोस्तों, 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम त्रिफला तथा 10 ग्राम अजवाइन को मिलाकर कूट लीजिए और एक बारीक चूरन बना लीजिए। आप हर रोज हल्के गर्म पानी के साथ 3 से 5 ग्राम चूरन का सेवन कीजिए, पुरानी से पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाएगी। नंबर 8, हरड़। दोस्तों, हर रोज रात में हरड़ को पीसकर बारीक चूरन बना लीजिए। इस चूरन को गुनगुने पानी के साथ पीजिए, कब्ज दूर होगा और पेट में गैस बनना बंद हो जाएगा। नंबर 9, अमरूद। दोस्तों, पका हुआ अमरूद और पपीता कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अमरूद और पपीता को किसी भी समय खाया जा सकता है। नंबर 10, किशमिश। दोस्तों, किशमिश को पानी में कुछ देर तक डालकर गलाएं, इसके बाद किशमिश को पानी से निकाल कर खा लीजिए, इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। नंबर 11, पालक। दोस्तों, पालक का रस पीने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। खाने में भी पालक की सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 12, बेल का गूदा, सौंफ, इसबगोल की भूसी और छोटी इलायची। दोस्तों, पुरानी आँव या आंतों की सूजन में 100-100 ग्राम बेल का गूदा, सौंफ, इसबगोल की भूसी और छोटी इलायची को एक साथ पीसकर पाउडर बना लेते हैं। अब इसमें 300 ग्राम देसी खांड या बूरा मिलाकर कांच की शीशी में भरकर रख देते हैं। इस चूरन की 2 चम्मच मात्र सुबह नाश्ता करने के पहले ताजे पानी के साथ लेते हैं और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ 7 दिनों तक सेवन करने से लाभ मिल जाता है। लगभग 45 दिन तक यह प्रयोग करने के बाद बंद कर देते हैं। इससे सुबह पेट साफ, कब्ज, पुरानी आँव या आंतों की सूजन के रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।